सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक के एक नए एपिसोड में। चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं जबरदस्त गर्मा गर्म टेक न्यूज से। यहाँ पे जो आज की पहली खबर निकल के आ रही है वो है यहाँ पे शोमी को लेकर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शोमी की, तो शोमी ने कल अपने दो प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिए इंडिया में, जहाँ पे रेडमी नोट 10S एंड रेडमी वॉच। रेडमी वॉच की बात की जाए तो 4000 पीसेस की स्टार्ट होती है, बहुत ही एक्साइटेड है और मतलब की बहुत ही यहाँ बिंदास भी है। और अगर बात की जाए इस यहाँ पे जो है Redmi Note 10 सीरीज S की, जो है ये जो थोड़ा सा मुझे लगा ये की जो प्राइस भी यहाँ पे स्टार्ट होती है 15000 से 664 और 16000 का आपको मिलेगा 6128। इसका जो Redmi Note 10 Pro है इतने में तो हमें Redmi Note 10 Pro मिल जाता है मेनली। तो मुझे जो इसकी Xiaomi जो है Redmi Note 10S जो इन्होंने किया लॉन्च, वो मुझे थोड़ा सा इसका जो प्राइस इसका थोड़ा ज्यादा लगा इनफैक्ट। क्योंकि अगर बात की जाए तो Redmi Note 10S क्यों लेंगे जब वहाँ पे Redmi Note 10 Pro हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में करना क्यों चाह रहे हैं आपस में, ये ब्रांड आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मतलब जो Xiaomi है। अभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करना चाहते हो, लेकिन प्राइस वगैरह भी यहाँ पे पता चल चुका है। और इसका मैं अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैंने लेके नहीं आया था, अगर आप बोलेंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा। बाकी अगर मैं इसकी अपना ओपिनियन दूं दोस्तों, तो ये कम से कम अगर 12 से 13 हजार रुपए का इसका प्राइस होता तो डेफिनेटली बहुत ही यहाँ पे अच्छा होता। लेकिन मुझे अभी मैं यही बोलूंगा कि अभी ओवर प्राइस्ड है। अगर आपके पास बजट है और आप लेना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप Redmi Note 10 Pro ले सकते हैं इस फोन की जगह पे। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है Asus को लेके। फाइनली Asus Zenfone 8 और Zenfone 8 Flip ये दोस्तों लॉन्च हो चुके हैं ग्लोबली। अगर बात करूं तो इसमें हमें प्रो वगैरह भी देखने को नहीं मिला, ना ही मिनी देखने को मिला, तो ग्लोबली अभी ये फोन दोनों आ चुके हैं। जहाँ पे अगर बात की जाए ग्लोबली अभी ये आएंगे, बोले इंडिया में भी इसके पता नहीं, आई थिंक ये अगले महीने तक हमें देखने को मिल सके हैं। क्योंकि पहले ही उन्होंने जो सिनेरियो चला है कोविड को उनको लेके भी उन्होंने पहले बता दिए थे कि इंडिया में हमें इस महीने तो नहीं देखने को मिलेंगे, तो शायद हमें इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए Asus Zenfone 8 की, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फोन है। 5.59 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन है। स्नैपड्रैगन ट्रिपल LLA है और LPDDR5 UFS 3.1 और ड्यूल कैमरा यहाँ पे देखने को मिलता है। 64+12 मेगापिक्सल का है, +12 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अगर बात हो तो यहाँ पे जो है इसका जो बैटरी मिलती है हमें 4000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। इसकी अगर मैं प्राइस की अगर बात करूँ तो ये 54000 का है, तो और इसका हाइयर वेरियंट भी है जो 6.28 है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो ग्लोबली है ये फोन वो इतने में ही हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। इंडिया में अगर ये फोन 45000 का आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ Asus Zenfone 8 Flip की, तो इसमें हमें जो है बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले। 90Hz का यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलता है। स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट है और यहाँ पे फ्लिप कैमरा है। 64+12 और 8 मेगापिक्सल यानी कि 8 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पे टेलीफोटो मिलता है। इमेजिन दोस्तों बात करूं, अगर आप इस फ्लिप कैमरे के थ्रू आप सेल्फी लेते हैं तो ये आंखों के अंदर से जूम निकाल देगा। और यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। अगर इसकी यहाँ पे बात की जाए तो इसकी है 71000 यहाँ पे इसकी प्राइस निकल के आती है। यहाँ पे एक ही वेरिएंट हमें देखने को मिलता है 825 GB, 8 GB RAM एंड 256 GB स्टोरेज। और अगर इन दोनों इसकी वेरिएंट की बात करूँ तो अगर मैं इंडिया के अगर ये फोन 60000 के तक आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी देखते हैं कि क्या लेट्स सी क्या होता है। और Asus Zenfone इंडिया जो में आते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि Asus Zenfone ही फ्लिप साइड हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर आता है तो देखते हैं आखिरकार इनका प्राइस क्या निकल के आता है इंडिया में। यहाँ पे जो आज की अगली खबर निकल के आ रही है वो है जियो को लेके। अगर मैं एक्चुअल में बात करूँ, जो हम आज इंटरनेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन इतने ज्यादा निकल रहे हैं और इन सब में आपको पता है कि ग्रोथ इसकी वजह से हुई है। अगर बात करूँ इनमें तो यहाँ पे रिपोर्ट्स निकल के आएगी जियो में, और मैं बात करता हूँ ओबियसली कि जियो की वजह से हुआ है। एक्चुअली में बात की जाए कि 2016 में जब जियो आया था तो उन्होंने स्टार्टिंग में 52 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर लिए थे, यानी कि मतलब 5 to 6 करोड़ जो है यूजर्स उन्होंने अचीव कर
कर लिए थे। तो आज की बात करें तो अभी उनके पास 40 करोड़ से ज्यादा जो है सब्सक्राइबर्स है। एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे बताया जाता था कि जब ये आया था तो 30% टैरिफ था इंटरनेट जो यूज होता था। अभी बात है 2020 की तो 99% टैरिफ यहाँ पे यूज होता है डाटा के ही है। और अगर यहाँ पे बात की जाए 4G की कि 4G की यहाँ पे कितने पैसा अडॉप्शन अभी हम देखने को मिलती है, तो 4G जब ये आया था तो 12% थी और अभी बताया जाता है कि 77% है इंडिया में। और एक्चुअल में ये बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे जहां तक लगता है कि 5G जब ये आएगा तो 5G के अफोर्डेबल फोन भी जियो की तरफ से आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा समय हमें 5G को अडॉप्शन करने में लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो जियो ने एक्चुअली में बहुत ही यहाँ पे अच्छा काम किया है। जहाँ पे प्राइस की बात करें, कुछ ही बात करें, बाकी आपको इन सब के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है पोको को लेके। पोको 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 आईकॉन है दोस्तों, पोको पोको M3 4। ये ऑफिशियली यहाँ पे रेंडर वगैरह इसकी फर्स्ट लुक यहाँ पे बाहर निकल के आ गई है। आप देखते रहे, बहुत ही यहाँ पे चंगा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ठीक ठाक लग रहा है, कहीं नजर वगैरह ना लग जाए। मैं यहाँ पे बात करूँ तो पोको M3 वो अगर मैं आपको बात करूँ तो इससे कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो एक्चुअली में मुझे यही बात यहाँ पे अच्छी लगती है, क्योंकि पोको M3 तो उसमें हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल हमें कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में मैं यही बोलूंगा कि जो डिजाइन और पॉइंट ऑफ व्यू है जो पोको ने यहाँ पे चेंजिंग की है पोको M3 M3 Pro में, तो मुझे बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगा। और इस तरह का अप्रोच रहती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर साथ में ये बताऊं तो ये जो फोन है हमें वो 5G वाला होगा और ये 19 मई को हमें देखने को मिलेगा। ये इंडिया में देखने को मिलेगा, ये ग्लोबली है, क्योंकि अनु शर्मा जी ने पहले ही उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि हम इसके डिले को जो है इसकी जो लॉन्च वगैरह है इंडिया के लिए वो डिले कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड का जो सिनेरियो चला है तो उसमें बहुत सारे ब्रांड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे ब्रांड्स है जो उन्होंने अभी ये डिसीजन लिया है कि जो भी हम फोन वगैरह इस महीने लॉन्च नहीं करेंगे। तो अभी पोको भी उनमें से था, तो अभी पोको भी बोल रहा है कि अभी हम इनमें कोई फोन यहाँ पे लॉन्च वगैरह नहीं करेंगे इस महीने। अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर अच्छी प्राइस पे आता है तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ही अच्छा फोन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। अगर बात करूँ दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों ये जो फ्यूचर है ये हमारा होने वाला है, क्योंकि हम फ्यूचर में बहुत सारे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। ग्लोबली तो होगा ही होगा, इंडिया में भी होगा। लेकिन अभी मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को कि जब हम इसकी चार्जिंग वगैरह खत्म होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको चार्ज करने बहुत ज्यादा समय लगता है। और सेकंड क्या रहता है कि चार्जिंग स्टेशन ढूंढने बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन ढूंढना हर जगह भी अवेलेबल नहीं होते, कहीं कहीं अवेलेबल होते, इसमें भी प्रॉब्लम थोड़ा सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी रिसर्चर यहाँ पे बता रहे हैं जो कैली यूनिवर्सिटी है वहाँ के उनके टेक्नीशियन, उन्होंने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्ज करने के लिए अभी उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं जो कि रोड होगा उसके साइड में जो पावर स्ट्रिप वगैरह लगेंगी, यानी कि बायलेसरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था जो रोड पे बायलेसरी जब जब वो अपने आप चलते रहेंगे मतलब तो वो बायलेसरी चार्ज भी होते रहेंगे। तो एक्चुअली में ये बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात है कि फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि फ्यूचर कहाँ कहाँ तक जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अगर बायलेसरी चार्ज होना शुरू हो गए और ये जो रोड में बिछना शुरू हो गए तो एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है। जो स्ट्रिप वगैरह है तो मतलब कि अगर पूरे रोड में बैठा बेड बिछा होगा तो 100% आपकी बैटरी फुल रहेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। और ये बहुत ही यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी है। अभी देखते हैं, लेट्स सी कि जो ये एक्चुअल में कब तक इंडिया में आती है और हमें कब तक देखने को मिलती है, तभी हम प्रॉपर इसके बारे में बता सकूंगा। यहाँ पे जो आज की अगली खबर निकल के आ रही है वो है पबजी और बैटल ग्राउंड को लेके। वेलकम वेलकम दोस्तों, आइए आइए। सबसे पहले अगर बात करूं पबजी मोबाइल न्यू स्टेट, ये है लीजेंड पबजी मोबाइल न्यू स्टेट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे ये खबर निकल के आ रही है कि अभी जो है ये अवेलेबल हो गई है अल्फा से बीटा में चल चुकी है, जहाँ पे आपको प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और इसका लिंक वगैरह जो है वो आपको मैं यहाँ पे दूंगा भी नहीं। यहाँ पे क्या है कि अभी जो है ये अगर आप देखेंगे लिंक वगैरह, जैसे आप प्ले स्टोर पे ओपन करेंगे तो वहां पे लिखता है क्या आता है, आइटम इज नॉट अवेलेबल इन कंट्री, बाकी VPN बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की बात करें जाए तो यहाँ पे ये खबर निकल के आ रही है कि इसका जो फाइल साइज है वो 2 GB से भी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा फाइल साइज। जी हाँ दोस्तों, और ये इंडिया में हमें बहुत ही जल्दी देखने को तो मिलेंगी। लेकिन बात ये है कि अगर ये 2 GB का इसका फाइल साइज होता है तो एक्चुअली मुझे बुरा
उन लोगों के लिए लग रहा है जिनके फोन में एक्चुअल में 2 GB की रैम है, 32 GB की स्टोरेज है और प्रोसेसर बहुत ज्यादा वीक है। वो इसको किस तरह से यहाँ पे जो है सहन कर पाएंगे उनके फोन और वो किस तरह से खेल पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में बात करूँ तो पबजी के फैन बहुत सारे हैं, तो अभी शायद उनको जो है अभी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जो भी जिनके पास 2 GB रैम है, 32 GB फिर कम प्रोसेसर वाला है। बाकी मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी पर यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी लीजेंड्स वगैरह जो है मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि इनको जो पबजी मोबाइल बीटा यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है, इनको अभी जो है वो एक लाइटर वर्जन भी यहाँ पे लेके आना चाहिए ताकि जो अदर यूजर है वो भी इस चीज का मजा यहाँ पे उठा पाए। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है यहाँ पे ब्रेन कंप्यूटर को लेके। मैं आपको बेसिकली बताऊं तो यहाँ पे एक ऐसा ये कंप्यूटर यानी कि अगर आप आपकी जो हैंड राइटिंग है वो डायरेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आप जो सोचेंगे मन में वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, और मेनली ये फिलहाल उन लोगों के लिए ज्यादा काम में आएंगे जो कि पैरालाइज होते हैं, जो कि काफी लिख वगैरह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे मतलब कि हैंड राइटिंग वगैरह है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। पर एक्चुअल में अगर बात बताऊं दोस्तों तो फ्यूचर हम देख सकते हैं कि फ्यूचर आगे कहां तक जाने वाला है, कितना यहां पे खतरनाक फ्यूचर हमारा होने वाला है। अगर ऐसा ही हमारे साथ होता है कि अपना हमारा जो फोन है वो हम अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर पाए दूर रखे हुए भी, तो एक्चुअल में कितने यहाँ पे अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है इंस्टाग्राम को लेके, जहाँ पे अगर बात करूं USA एटॉमी जर्नल उन्होंने यहाँ पे इसको लेके उन्होंने फेसबुक को यहाँ पे सजेशन दिया है कि जो फेसबुक अभी इंस्टाग्राम किड्स को लेके आ रहा है वो उनको नहीं लाना चाहिए। क्योंकि अभी बात ये है कि मतलब कि क्यों लेके आ रहे हैं, वो रहे डायरेक्ट क्यों लेके आ रहे हैं, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। बाकी क्योंकि फेसबुक में आपको पता है भी प्राइवेसी पॉलिसी का तो रफड़ा जाता ही है, और ऐसे में अगर ये इंस्टाग्राम पे भी होता है वहाँ पे डाटा वगैरह, तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे इसकी वजह से शायद वो बोल सकते हैं। बाकी देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है और क्या नहीं होता, वो तो हमें आगे चल के पता चलेंगे और जैसे पता चलेंगे मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है यहाँ पे बॉक्स वैगन को लेके। यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं कि फुली ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक जो है वैन वो 2025 तक लेके आ जाएंगे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात बताऊं तो यहाँ पे जो है आपको उनको सुपरविजन करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वो फुली ऑटोनोमस होंगे, कंप्लीटली ऑटोनोमस कार यहाँ पे चलेंगी, बोले ये इलेक्ट्रिक भी होंगे। जहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हमें यहाँ पे देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगी, और ये टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपने जो है फॉर एग्जांपल आप ओला उबर को जैसे बुलाते हैं, वैसे अगर आपने इस टैक्सी को बुलाने हैं तो आपको एक बार बुलाना है, अपने आप ये गाड़ी आएगी, आपने बैठना है यहाँ पे, इस बीच में मतलब कि यहाँ पे कोई ड्राइवर वगैरह भी नहीं होगा, अपने आप जहाँ पे आप जाना है वहाँ पे आपको डेस्टिनेशन में छोड़ेंगे। तो एक्चुअल में ये बहुत ही यहाँ पे अमेजिंग होने वाली है, और आप ऐसे मुझे बताएं कि आप ऐसे गाड़ी में थोड़ा बैठना मतलब बैठ पाएंगे जहाँ पे ड्राइवर ना, थोड़ा सा मुझे एडवेंचरस लगता है। बाकी आपको क्या लगता है वो भी आप मुझे बताइए। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है ऐप स्टोर को लेके। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एप्पल ने रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि $1.5 बिलियन का जो फ्रॉड है उन्होंने यहाँ पे रोका है। जहाँ पे अगर बात करूँ तो 2020 की बात है कि 1.5 बिलियन का जो है फ्रॉड ही उन्होंने ऐप स्टोर के माध्यम से रोक लिया है, और एक्चुअल में कितना प्रॉफिट होगा थोड़ा सा सोचिए दोस्तों। फिलहाल के लिए आप मुझे ये बताएं कि आप सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे खर्च करते हैं, ऐप स्टोर में या फिर प्ले स्टोर में? क्योंकि अगर बात करूं तो प्ले स्टोर तो बाईपास। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है सैमसंग को लेके, सैमसंग गैलेक्सी A22s 5G। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये डायमंड 700 प्रोसेसर के साथ आएंगे, और एक्चुअली में अगर इस प्रोसेसर के साथ होता है तो सैमसंग गैलेक्सी A22 5G सैमसंग का अब तक का सबसे यहाँ पे जो है कम प्राइस पे यहाँ पे फोन लॉन्च हो सकता है। अभी देखते हैं किस तरह की वो स्पेक्स के साथ आता है, उस किस प्राइस पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आज की आखिरी खबर निकल के आ रही है वो है मीडियाटेक को लेके। यहाँ पे जो आपको मैं अगर यहाँ पे खबर जो निकल के आ रही है मीडियाटेक डायमंडसिट 900 को लेके, तो ये बताया जा रहा है कि 6 nm पे बेस्ड होगा 5G चिपसेट यहाँ पे लेके आएंगे, और मीडियाटेक यहाँ पे जो है मिड रेंज में फोन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस चिपसेट के साथ में। जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये 108 MP का कैमरा भी सपोर्ट करेंगे, और एक्चुअली में बात करूं तो ये 6 nm पे बेस्ड होंगे तो काफी एफिशिएंट भी होंगे और काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी रहेगा ये। अभी देखते हैं कि इस फोन में सबसे पहले हमें ये चिपसेट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आज का फैक्ट है कि आपको पता है दोस्तों दुबई, जी हाँ दोस्तों, $35 बिलियन जो से ज्यादा जो है आपको पता है वो ट्रैफिक से यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, अगर
साल की बात करूं जो ट्रैफिक रूल्स वगैरह है, चलान वगैरह जो काटे हैं, तो एक्चुअली में बात करूं तो इतना हजारों करोड़ रुपए वो यहाँ पे ट्रैफिक से जुटा लेते हैं। और वहाँ पे अगर बात करूं तो 9% उनकी GDP का होता है जो भी ट्रैफिक से यहाँ पे रूल्स वगैरह जब काटते हैं, रूल वगैरह जो भी यहाँ पे तोड़ते हैं उनसे जब यहाँ पे जो जुर्माना वगैरह लिए जाते हैं। और एक्चुअली में बात करूँ तो ये ट्रैफिक लॉ अगर इंडिया में भी आ जाए तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा हो सकता है। दोस्तों बस आज की टेक न्यूज यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।